हेलो गाइस, वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन ऑन न्यू वीडियो। दोस्तों, वीडियोस डाल डाल के थक चुके होंगे, अच्छे कंटेंट बना के आप थक चुके होंगे, अच्छे साउंड क्वालिटी दे के आप थक चुके होंगे, बट गाइस वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे होंगे। एक व्यूज, दो व्यूज, तीन व्यूज ऐसे ही आ रहे होंगे। गाइस, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, रिसेंटली अभी हमने अपने चैनल को स्टार्ट की है और गाइस व्यूज के मामले अगर मैं बात करूं तो 30 व्यूज, 40 व्यूज, 100 व्यूज, 300 व्यूज, 400 व्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कैसे मिले? मैंने ऐसा कौन सा ट्रिक को फॉलो किया जो मेरी जो चैनल्स हैं वो इस तरह से व्यूज गेन कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे CTR वैल्यू की बात करूँ, YouTube की CTR की, नॉट एडसेंस CTR, YouTube की CTR की बात करूँ, तो गाइस काफ़ी अच्छी CTR मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोर देन 18% की CTR है हमारी यहाँ पे। अगर मैं इस तरीके से वर्क करते रहूँ लगातार तो मेरी डेफिनेटली चैनल्स ग्रो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो मैंने ऐसा कौन सा ट्रिक को फॉलो किया है यहाँ पे YouTube में जो मेरी जो चैनल की ग्रोथ इस तरह से बढ़ रही है, जिसमें मेरे को व्यूज़ की कमी नहीं हो रही है और यहाँ पे मेरे को 100 व्यूज, 200 व्यूज, 300 व्यूज जो है वो इजिली गेन हो रही है। शुरुआती तौर पे अगर आप समझते हैं कि अगर आपको 100 व्यूज भी मिल जाते हैं, इवन 50 व्यूज भी मिल जाते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी चैनल की ग्रोथ अच्छे की तरफ जा रही है। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम वो पूरा क्लियर करने वाले हैं कैसे जो है आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के कई सारे तरीके होते हैं, बट गाइस एप्लीकेबल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो में एप्लीकेबल किया, वो वीडियो वायरल नहीं हुई तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको लगातार उस चीज़ को फॉलो करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन आपकी वो वीडियोज़ वायरल हो गई। बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फर्स्ट वीडियोज़ डाला, नो व्यूज, 3 व्यूज, 4 व्यूज था। सेकंड वीडियोज डाला, देर विल बी ओनली 1 व्यूज। थर्ड वीडियो डाला, वहाँ पे मेरे को 8 व्यूज मिले। फोर्थ वीडियो डाला, वहाँ पे मेरे को 4 व्यूज मिले। जब मैंने 5 वीडियोज डाला गाइज, डेफिनेटली वो चले गए मेरे के 200 प्लस व्यूज। क्यों? क्योंकि गाइज मैं लगातार उस चीज को फॉलो करते रहा। और आज के टाइम में अगर आप मेरी वीडियोज देख रहे होंगे, 50, 70, 100, 200, 400 व्यूज आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ को लगातार फॉलो कर रहा हूँ और उस चीज़ को फॉलो करके डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि अगर आप भी एक नए क्रिएटर्स हैं तो आप भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। या ट्रिक्स तो फॉलो करना अच्छी बात, बट गाइज अगर आपने ट्रिक्स तो फॉलो किया, चैनल में ग्रोथ भी मिली, बट अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो गाइज फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले कंटेंट में भी ध्यान देना है, आपको थंबनेल में भी ध्यान देना है, टाइटल में भी ध्यान देना है, एंड टैक्स में भी ध्यान देना है, तभी आप आगे निकल पाओगे। क्योंकि आप एक नए क्रिएटर हो, आप एक उभरते हुए क्रिएटर हो, अभी आपने चैनल को स्टार्ट किया है, तो आपको टॉप क्रिएटर्स के बीच में लाना है, आना है, उनके सर्च रैंक के बीच में आपको आना है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है, मैं 100% नहीं कहूँगा, आपको यहाँ पे 110% जो है अच्छी काम करनी पड़ेगी। दैट्स कॉल्ड अ SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइज पे ध्यान देना होगा। अगर आपने अपनी वीडियोस अपलोड करते समय अगर SEO को अच्छी तरह से कर दिया है, मोर देन 40% अगर आपने SEO कर दिया है, तो गाइस डेफिनेटली कहूँगा उस वीडियो में व्यूज आएंगे ही आएंगे। अब गाइस व्यूज तो आएंगे, लेकिन अगर व्यूज को कैरी ऑन रखनी है, अच्छे व्यूज लानी है, अच्छे वॉच टाइम पानी है, तो गाइस कंटेंट में होनी चाहिए दम। यानी कंटेंट में आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड इवन ऑल्सो अच्छे होने चाहिए, तभी आपके वीडियोज़ में दम आएगा और तभी आपको अच्छे वॉच टाइम मिलेंगे, तभी आपके वीडियोज़ ग्रोथ होंगे। सो गाइज, इतनी सारी चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिलहाल गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस वाले चैनल पे सिर्फ YouTube इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप अपने चैनल को इजीली जो है ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छे तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे तरह से थंबनेल्स बना सकते हैं, अच्छे तरह से टैक्स लगा सकते हैं। तो देर किस बात की है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। सो गाइस, यहाँ पे जो है मैंने अप्रोक्स जो है मोर देन 70 वीडियोज अपलोड कर दिया है और एक ही ट्रिक्स को फॉलो करिए गाइस, दैट्स कॉल और रैपिड टैक्स। आप गूगल पे सर्च मार लेना, क्रोम पे सर्च मार लेना, इवन डेस्कटॉप में सर्च मार लेना, रैपिड टैक्स। रैपिड टैक्स में ये होता है, जैसे मान लीजिए गाइस अगर आप एक वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, हाउ टू ग्रो अवर यूट्यूब चैनल, तो इस टॉपिक को लेके आपको रैपिड टैक्स में सर्च मारनी है। वहाँ पे क्या होता है कि टॉप सर्चेबल कीवर्ड को जो है वहाँ पे पब्लिक की जाती है, आपके सामने शो की जाती है।
अब वहां पे जितने भी कीवर्ड्स आपको शो करेंगे उस कीवर्ड्स को आपको कॉपी करनी है, अपने वीडियो के टेक्स्ट में पुट कर देनी है। अब उससे क्या होगा कि जो आपके मोस्ट सर्चेबल जो टैक्स हैं उसमें से एक आपको टैक्स उठानी है, उसको आपको अपने वीडियोज के टाइटल बनानी है। लेकिन आपको ऐसे नहीं उठानी है कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है और मैं इसको उठा लेता हूँ। वहाँ पे आपको ट्यूबबडी की सहारा लेना पड़ेगा। ट्यूबबडी को यूज़ कीजिए, वहाँ से हर कीवर्ड को उठाइए, देखिए सर्चेबल वैल्यू किस में ज़्यादा है, उस सर्चेबल वैल्यू को आपको उठा के अपने टाइटल में लगानी है जिसकी अच्छी सर्चेबल वैल्यू होगी। और गाइज जो टैक्स आपने कॉपी करके कीवर्ड जो कॉपी करके अपने टैक्स में पुट करे हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी पुट कीजिए। ऐसे ही नहीं पुट करनी है, आपको वहाँ पे लिखनी है सजेस्टेड टॉपिक, टॉपिक कवर, इस तरह से लिख के आपको टैक्स पुट करनी है ताकि आपको मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन का जो है स्ट्राइक ना लगे, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीज़ परफॉर्म करो आप एवरी वीडियोस में, हर वीडियोस में डेफिनेटली कहूँगा आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बट निकट सो आपको अपने वीडियोज़ में ग्रोथ दिखेगा। और गाइस ग्रोथ करने के और भी तरीके होते हैं वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, उस ट्रिक्स को भी फॉलो करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और अच्छी तेज़ी में ग्रो कर सकते हैं। बट उस वीडियो को देखना चाहते हैं गाइस तो इस वीडियो के लाइक हम रखेंगे ओनली 10,000 लाइक। तो अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक दे दी तो मैं जो वो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को भी आपको वीडियोज़ बना के जरूर दूंगा। डेफिनेटली कहता हूँ गाइस उस ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बहुत तेज़ी में ग्रो कर पाओगे आप। मैंने भी उस चीज़ को फॉलो की है तभी मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और इस तरह से वीडियोस बना रहा हूँ और इस तरह से मेरे को व्यूज़ मिल रहे हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको ये तो पता चला होगा कि हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। आने वाले 2023 में आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, एक महीना बस, एक महीने के बाद आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए। क्या 4 साल से जो कर रहे हैं वही अभी भी आगे करना चाहते हैं? तो आप जहाँ हो ना वहीं का वहीं रह जाओगे। अगर ग्रोथ होनी है आगे बढ़नी है तो आपको नई नई ट्रिक्स को फॉलो करनी चाहिए। डेफिनेटली कहूँगा कि आपने 10 साल से जो चैनल पर वॉक करी है अगर वो चैनल ग्रो नहीं हो रही उस चैनल को बंद कर दो, एक नया चैनल को क्रिएट कीजिए और इस तरह से शुरुआत से फॉलो कीजिए। डेफिनेटली कहूँगा आपकी चैनल्स ग्रोथ होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।